ये तस्वीरें देखिए, बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री, और कहीं पर भी देखिए पहुंचते हैं, जो प्रोजेक्ट जिसके शिलान्यास या उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे उसको बहुत ही बारीकी से समझते और देखते हुए नजर आते हैं। और ये वो सभा स्थल जहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है, वहां जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में है, और उनका अभिवादन भी स्वीकार प्रधानमंत्री कर रहे हैं हाथ हिलाकर जब उस स्थल पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो अंडर वाटर पूरे प्रोजेक्ट को समझते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो जहां भी पहुंचे सौगातों के साथ, और बंगाल को भी सौगात पे सौगात दे रहे हैं। आज ये दूसरी रैली, और देखिए कल उसके बाद 9 तारीख को अगली रैली होने वाली है। और ये जो मेट्रो है, आपको बता दें, नदी के नीचे दौड़ने वाली है और बेहद खास। और ये प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट को इस वक्त देखिए समझते हुए ही नजर आ रहे हैं, और संदेश खाली के पास, इसके बाद प्रधानमंत्री को रैली भी करना है, स्वाभाविक है, ममता को ही निशाने पर लेंगे। अनुपम, जी देखिए बिल्कुल सही अर्पिता, अभी इस वक्त प्रधानमंत्री कोलकाता में है, कोलकाता के एस्प्लैनेड जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर वो जायजा ले रहे हैं, जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है। और ये गंगा नदी, हुगली नदी जिसको बोला जाता है, बंगाल में जब वो पहुंचती है तब हुगली कहलाती है गंगा, तो ये हुगली नदी के नीचे से निकलेगी और सबसे गहरी देश का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन मेट्रो वो भी यहीं बनाया गया है। तो उसका पूरा जायजा ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत अनोखा प्रोजेक्ट है, भारत में पहली बार इस तरह का काम हुआ है और आज उसका उद्घाटन होना है। बहुत सालों से लोगों को, जो ट्विन सिटी कही जाती है हावड़ा और कोलकाता, यहाँ के लोगों को इंतजार था कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो, और आज के उद्घाटन के बाद ये जो बहुत अनोखी अनूठी एक प्रोजेक्ट है, एक योजना है, वो लोगों को नसीब होगी। वो हावड़ा से महज 6 मिनट में इस प्लैनेट पहुंच जाएंगे कोलकाता के, जहां पर पहले आने में लगभग 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा लग जाता था। तो और दूसरी बात है कि वो जब गंगा के नीचे से ट्रेन निकलेगी तो एक नीली कलर की बत्ती जलेगी ताकि पता चले कि हम अब गंगा के नीचे से निकल रहे हैं, हुगली नदी के नीचे से निकल रहे हैं। और ये तो आज से कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह गंगा के नीचे से मेट्रो गुजरेगी, और आज वो सफल उसका प्रयोग हो चुका है और उद्घाटन होने जा रहा है, और कल से लोग, जो आम पब्लिक है, वो इसकी यात्रा का आनंद लेगी। और इसके बाद कोलकाता में इस उद्घाटन के बाद वो चले जाएंगे बारासात, जो कोलकाता से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, उत्तर 24 परगना जिले में है, और उसी जिले में है जहां संदेश खाली पड़ता है, और वहां पर आज नारी शक्ति वंदन के रूप में जनसभा का आयोजन जो किया गया है, वहां पर महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिलाओं को लक्ष्य रखकर ही आज की जो जनसभा होनी है उसमें प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य रखेंगे। और जिस तरह से पहली बार हमने देखा था, पहली जो सभा की थी आरामबाग में, वहां पर जो मुख्य मुद्दा प्रधानमंत्री का था वो था नारी सुरक्षा, तो इस बार भी जो समझ में आ रहा है, चूंकि वो उसी जिले में है जहां पर संदेश खाली की घटना हुई है, तो इसका जिक्र तो वो जरूर करेंगे। और नारी सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी ने एक आंदोलन छेड़ा हुआ है, उसको और आगे बढ़ाने के उपायों, या उसको और आगे बढ़ाने में वो मदद करेंगे बीजेपी की, इस तरह से बीजेपी के जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं। तो फिलहाल तो ये तो तय है कि नारी सुरक्षा और भ्रष्टाचार, इन दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री थोड़ी देर में बारासात, ठीक है, आप बन रही है, क्योंकि आपने इतनी खासियत, मेट्रो ये किस तरह बन रही है अंडर वाटर, इसकी क्या खासियत है वो भी जरा और समझ लेते हैं। सतह से ऊपर पानी के नीचे कोलकाता मेट्रो, बेहद अलग तरीके का ये भारत में आप कहिए तो बनने वाला है, जो बन चुका है अंडर वाटर मेट्रो। 66 दिन इसमें लगे बनने में। सुरंग की जो लंबाई है वो 520 मीटर है। किस नदी में ये बना? हुगली नदी के ऊपर से। यानी ये बहुत ही दिलचस्प, और सौगातों के साथ जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो ये भी एक सौगात ही है जो प्रधानमंत्री देने वाले हैं, अंडर वाटर मेट्रो। 66 दिन लगे इसको बनने में, पानी के अंदर ये मेट्रो स्टेशन। अब स्टेशन कौन कौन से होंगे इसमें? हावड़ा मैदान होगा, इसमें हावड़ा स्टेशन होगा, महाकरण होगा, एक्सप्लेन्ड होगा, तो ये कई चीजें, ये कई स्टेशंस जो यहां पर रहने वाले हैं। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसको समझते हुए वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे, जमीन से 30 मीटर नीचे बना है ये स्टेशन। तो दुनिया में सबसे गहराई में बना अगर कोई मेट्रो स्टेशन है तो आपको यही मेट्रो स्टेशन याद करना होगा। फिलहाल लंदन, पेरिस में ऐसे स्टेशंस हैं, लेकिन भारत के लिए ये अलग अनुभव है, नया अनुभव है, नया एक प्रोजेक्ट है जो आज मिलने वाला है जनता को, और कल से लोग सफर इसमें कर पाएंगे। तो फिलहाल लंदन और पेरिस में ही ऐसे स्टेशन है, लेकिन अब आपको लंदन और पेरिस जाने की जरूरत नहीं है, भारत में भी आप उसे देख सकते हैं। 66 दिन इसको लगे बनाने में, और 520 मीटर सुरंग की लंबाई है। देश में पहली बार पानी के अंदर ये मेट्रो, और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब पहुंच रहे हैं
तो और भी सौगात हैं जो प्रधानमंत्री यहां पर देने वाले हैं और सौगातों के साथ ही जा रहे हैं। इसमें बहुत जरूरी है ये समझना कि मिशन बंगाल, क्योंकि 35 सीटों का लक्ष्य बीजेपी ने यहां रखा है। ये जो उछाल 2014 से 2019 के बीच में हमने देखा 2 से 18, उस 18 के गणित को समझते हुए लक्ष्य 35 का रखा गया है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री लगातार देखिए दौरे पे दौरा कर रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे दक्षिण के क्षेत्र हो। बिहार भी आज प्रधानमंत्री को जाना है, तो ये बेहद जरूरी है मिशन बंगाल को जीतना अगर आपने अपना लक्ष्य 400 प्लस बनाया हुआ है। अब जब बंगाल पहुंच रहे हैं तो सौगातों के साथ भी पहुंच रहे हैं, आज प्रधानमंत्री रैली भी करने वाले हैं, वहां पर बकायदा संबोधित भी करने वाले हैं। और उससे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री जो मेट्रो की सौगात देने वाले अंडर वाटर मेट्रो, उसको समझते और देखते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं।